अब जा रही है तो विमल के लिए, ये वाली द्रांति भी ना तोड़ देना बल। ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता और ना मम्मी की खुशी फूले समाये नहीं जा रही है। सच में दोस्तों, तो उन्होंने अपने लिए यहाँ पर घर बनाया है ताकि इस घर में मम्मी पीछे से वहाँ पर लोगों को देख रही है कौन। आजकल आपको पता ही होगा मम्मी यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहती है आज, लेकिन मैं यहाँ पर भैया जी बोल रहे हैं फोटो नहीं खींचना, और बहन बोल रही है खींचो बोल खींचो बोल। कनाली का जो काफलो होता है वो स्पेशल है खाने में। हेलो हेलो, ये है ठीक हिमालय की चोटी जो हमारे केदारनाथ इसके ठीक नीचे। तो मम्मी ने इतना डांटा कि क्या ही बताऊं मैं आपको। एकदम ऐसे फूलेगी ये रोटियां भी, आप लोग देख सकते हैं। जय मां मठियाणा। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, मेरा नाम है क्यूट पहाड़न ऋतु राणा और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इस छोटे से गांव मदगांव भरदार में। साथ ही साथ सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग में आप सभी को ताजी सी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के टाइम से मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है। दोस्तों अभी हमारे पहाड़ों में प्यारी सी धूप खिल चुकी है, देखिए दोस्तों हमारे पहाड़ों में प्यारी सी धूप खिल चुकी है और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इन सुंदर सी वादियों में। और साथ ही साथ इस साइड पर धूप नहीं निकली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरे हरे खेत एकदम मस्त वाले। सो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी बना रही है मंडुए की रोटी, और मंडुए की रोटी बिल्कुल बना रही है मम्मी हाथ में। तो आप लोग देखिए कैसे मम्मी हाथ में रोटी बनाती है पूरी गोल गोल, और जो हमारा ये चकल बेलन होता है इससे भी काफ़ी गोल रोटी बनाएगी मम्मी। तो फाइनली दोस्तों हमारी मंडुए की रोटी बनकर तैयार हो गई है, और इस रोटी को देखो खाने का मन ऐसा कर रहा है, आय हाय दिखने में इतनी स्वादिष्ट है तो खाने में कितनी होगी दोस्तों। लीजिए दोस्तों ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में है दो मंडुए की रोटी और ये है गोभी की सब्जी। आज हमने गोभी की सब्जी बनाई है, और गोभी की सब्जी के साथ साथ गाजर है इसमें हल्का सा गाजर। हमारे यहाँ पर चरी पंचायती चरी खुली हुई है, तो आज घास जो ऊल होता है उसकी चरी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। सो फाइनली दोस्तों अपने जो मोरा हित है वहाँ के जंगल में पहुँच गई हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे तो काफ़ी थकान लग गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या खास चीज़ है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों जो ये जंगल है यहाँ पर ये किसका घर है और कौन रहता है यहाँ। तो देखिए दोस्तों ये घर किसका है और अकेले जंगल में कौन रहता है ये आप सभी को मैं बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों जो ये घर है यहाँ पर रहते हमारे ताऊ जी मुइम्बर जी, और यहाँ वो जब चरी में आते हैं उनकी चरी की रक्षा करने तो यहाँ पर आते हैं वो। देख सकते हैं आप लोग वहाँ पर उन्होंने धूप वगैरह जलाई है और यहाँ पर अपना बैठने का जो स्थान है वो बनाया है काफ़ी अच्छे से उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ मैं यहाँ जंगल की, जो ये जंगल है यहाँ की रक्षा करने के लिए हमारे एक ताऊ जी आते हैं, तो उन्होंने अपने लिए यहाँ पर घर बनाया है ताकि इस घर में चाहे बारिश आ जाए तो वो यहाँ पर रह सके। उन्होंने यहाँ पर धूप वगैरह बाल रखी है और साथ ही साथ अपने बैठने का स्थान बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, और यहाँ पर पानी की जो गैलन होती है वो भी रखी हुई है। तो यहाँ पर आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँच गए हैं और काफ़ी लोग उस साइड से आ भी रहे हैं। ये है हमारे ताऊ जी और ये है हमारे मुइम्बर ताऊ जी। यहाँ पर हमारा फ्रेंड जुली भी बैठा है, जुली। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे मादगांव भरदार का सुंदर सा नज़ारा। ये रहा हमारा प्यारा सा गाँव, बहुत ही बड़ा गाँव है हमारा, उसी के ठीक बगल में आप देख सकते हैं मोसड़ भरदार है। और यहाँ से देखिए ठीक चौखंबा हिमालय का एकदम सुंदर सा चौखंबा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। ये है ठीक हिमालय की चोटी जो हमारे केदारनाथ इसके ठीक नीचे बद्रीनाथ इसी साइड पड़ते हैं। तो देखिए काफ़ी बर्फ़ से ढका हुआ है ये हिस्सा। देखिए दोस्तों ये है हमारे ताऊ जी, अब आराम से तो पुनः हेलो हेलो। तो ये आज चरी में आ रखे हैं मुइम्बर मान लो इनको आज, काफी लोग वही तो काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मैं
देखे दोस्तों, ये वाली बुआ जी भी हमें मिल गई है और इनका तो आपको पता ही काफी शौक है वीडियो माने का। आज नहीं बोलोगे टाटा बाय? ना गुस्सा होना, कितने प्यार से बोले कि लोग गुस्सा हो रहे हैं। बोले चलो कोई नहीं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और काफी लोग आ गए हैं यहाँ पर। फोटो, इनको लड़ाई हो रही है, फोटो खींचो। इन दोनों को लड़ाई हो रही है कि मेरी फोटो, वही तो भैया जी बोल रहे हैं फोटो नहीं खींचना, और बहन बोल रही है खींचो बोल। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा गांव है हमारे। पूरी गांव की महिलाएं चरी को काटने के लिए आती हैं। यहां से काफ़ी लंबी लाइन आ रही है उधर, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ लोग वहां ऊपर की साइड पर है और कुछ नीचे की साइड पर है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और जूली भी हमारी रक्षा के लिए आ रखा है यहाँ पे। जूली दोस्तों, मैं जंगल से फिलहाल घर पहुंच ही गई हूँ और आज ठीक ठाक ऊल मिला मुझे, तो मम्मी खुश हो गई भाई कि आज ठीक ठाक ऊल लाई। बोले तो अभी हम खा रहे हैं खाना। आज खाने में बनाया कुछ स्पेशल, आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या स्पेशल है। तो देखिए दोस्तों क्या स्पेशल है आज खाने में स्पेशल है। जो काफलू, जो मैंने आपको बताया था कनाली का जो काफलू होता है, वो स्पेशल है खाने में। और कितना स्वादिष्ट लग रहा है भाई ये, तो देखो दिखने में इतने स्वादिष्ट है और खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। साथ ही साथ दादी की थाली में बिल्कुल यही है। तो दादी कौन वो काफलू, अभी तो चखा भी नहीं है। तो दोस्तों आपका भी खाने का इरादा होगा तो कमेंट में बताइएगा। भाई दोस्तों, माँ एकदम छोटे बच्चों को गाली दे रही है। तो देखो दोस्तों, जो मैं जंगल से उल का भाड़ा लाई थी, आज मम्मी एकदम खुश है, खुश के मारे मम्मी की खुशी फूले समाये नहीं जा रही है। सच में दोस्तों, मम्मी की जो खुशी है वो फूले नहीं समा रही है कि आज तू 9 फूले उल के लाए। बल तो देख लो एकदम, मम्मी गिन गिन के ढाल रही कहीं कम ना हो बोले। तो इस वाले फूल को भी, हाँ मतलब उल को भी इसी वाले पेड़ पे हमें लगाना है और आज काफी उल दिख जाएगा हमारे पेड़ पर। देख लो भाई, मम्मी गिन गिन के ढाल रही कहीं छोटे बड़े ना हो। खाना वगैरह खाकर अब आ गए हम धूप सेकने। तो यहाँ पर मम्मी भी आ रखी है, लेकिन मम्मी आज ऊपर ही बैठ गई। पता नहीं क्यों मम्मी यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहती है आज, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर खाऊंगी मैं संतरे। ये देखो संतरे के साथ पत्ते भी आ गए। क्या मर्जी हो गया पत्ते खाने की भी, शायद मम्मी ने खाना नहीं दिया होगा आज मुझे। हेलो दोस्तों, आज तो मैं इतनी खुश लग रही हूँ जैसे पता नहीं कौन सा पुण्य का काम कर दिया होगा मैंने। तो दोस्तों आज मैं जो खुश हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो आपको तो पता ही नहीं होगा क्यों गुस्सा है, पता है क्यों गुस्सा है, मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों मम्मी पता क्यों गुस्सा है, आपको तो पता नहीं होगा। तो मम्मी इसलिए गुस्सा है, आज मैं जा रखी थी छोटी छोटी लकड़ियों के लिए और वहाँ पर एक कान कर दिया मैंने। वो कान पता है क्या है, ये देखो, हाँ ये देखो, ये ऐसा वाला कांड कर दिया आज मैंने। आज मैंने दरांती तोड़ दी भाई। अब मेरी क्या गलती है यार, जिसने बनाई होगी वो मतलब कच्ची बनाई होगी। अब मेरी क्या गलती, मैंने लकड़ी काटी टूट गई तो मम्मी ने इतना डांटा कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। कसम से आप होते तो आप तो रोज ही जाते, लेकिन मैं थोड़ी हिम्मत वाली हूँ ना, नहीं रोई मैं। देखो दोस्तों अब इसे ठीक करवाने भी जाना है, फिर वहाँ पर अलग गाली खानी है।
और अभी घर से निकली तो एक बात सुनकर आई हूँ मैं अभी घर से। मम्मी ने पता क्या बोला, अब जा रही है तो विमल के लिए, ये वाली दरांती भी ना तोड़ देना बल। तो देखो दोस्तों गलती मेरी क्या थी, दरांती टूट गई, कच्ची थी, और हर बात पर बहाने ही मिलेंगे मुझे, मतलब ताने ही मिलेंगे हर बात पर। अब ऐसा कर रही, अब ये मत तोड़ देना, अब वैसे करे वो मत तोड़ देना, अब क्या है यार, अपनी किस्मत तो खराब ही है सच में यार।